वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार के साथ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार बजरंग बली तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मंच से दिग विजय सम्मेलन को किया संबोधित, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अपराध व परिवारवाद से जकड़े लोकतंत्र को भी मुक्ति दिलाएगा बनारस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित बूथ विजय सम्मेलन के मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान आठों विधानसभाओं के ब्लॉक में बूथ लेवल के पदाधिकारियों द्वारा अभिवादन को स्वीकार करते हुए अपने भाषण के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया तथा साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में हालत यह हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट कर ले गए थे, लेकिन बनारस मुक्ति के मार्ग खोलता है। अपराध और परिवारवाद से जकड़े हुए लोकतंत्र को भी बनारस मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की श्रेणी में सबसे पहले पायदान पर हैं। साल 2017 के चुनाव में उन्होंने जहां भी प्रचार किया वहां भाजपा ने नया इतिहास बना डाला। ऐसे में प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदी हटने के बाद लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आखिरी दिन तक आराम नहीं करता।
भूमिका देती है आप उसमें जी ध्यान लगा लेते भाइयों बहनों, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि पार्टी का आदेश वैसे तो समाज और देश के हितों के दृष्टि से होता है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ पाने को सीखने को मिलता है। अब आप मुझे देखिए, मूल जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा, बैठने का ये जो पुण्य लगेगा नहीं तो मुझे मिला है, ये पार्टी ने ही दिया है। वैसे आज मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी की कभी भी महसूस हो रही है। बताएं एस पी जी वाले इनको सुरक्षा दीजिए। मुझे तो अपने देश की सेवा की
सब संभालते हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, लोगों का जो मुझ पे भरोसा है, उसका श्रेय आप सब कार्यकर्ता साथियों को जाता है। आप मेरे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के तरह भाजपा का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आप सभी से आज का जी विश्वनाथ
यूपी की जनता इस बात को समझ रही है, यूपी में हुए विकास कार्यों को देख रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को इन कार्यों के बारे में निरंतर जागरूक करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो काम किया है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या से प्रभाव करता है। 2017 से पहले यूपी में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कुल 33 मेडिकल कॉलेज, आज यूपी में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65 हो गई। केंद्र ये है भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में 40,000 से भी कम पूरे उत्तर प्रदेश के बाद बताया, 40,000 से कम घर बनाए। जबकि भाजपा की सरकार ने मिशन के आगे कोई माफिया कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी बनारस को आशीर्वाद देने फिर से स्थापित हो गई। बाबा का आशीर्वाद लेकर हमें काशी की विकास यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर विजय सम्मेलन से हमें संकल्प लेकर जाना है। हमें अपना बोध हर हाल में जीतना है।
उनके साथ थे। सरकार आतंकियों से खुले आम मुकदमे वापस ले रही है, लेकिन काशी को बाबा काल भैरव का इनकी चलने वाली हमारे लाने नहीं।